Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the topic of discussion is classes of interrupt and locality of reference. We will discuss each topic one by one. First of all, we are going to discuss classes of interrupt. There are four classes of interrupt: time interrupt, program interrupt, IO interrupt, and hardware failure interrupt. So first of all, we are going to discuss the time interrupt. Time interrupt तब अकर होता है जब CPU एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हो लेकिन उसमें एरर आ जाए. अब जब तक वो प्रोग्राम डिबग नहीं होगा, रिमेनिंग एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती. तो जितनी देर में प्रोग्राम डिबग होगा उतनी देर में CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को हैंडल करेगा. तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा उसको हम टाइम इंटरप्ट कहेंगे, राइट? देन सेकंड क्लास ऑफ इंटरप्ट इज प्रोग्राम इंटरप्ट. प्रोग्राम इंटरप्ट तब अकर होता है जब हमारे किसी प्रोग्राम का साइज मेमोरी के साइज से एक्सीड कर जाए, यानी कि आप प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर ना करवा सके. देन आपको प्रोग्राम को पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ता है मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए. इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे. या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई इंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो, यूज़र ने गलती से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी दे दी है जिसे CPU एग्जीक्यूट ही नहीं करवा सकता, तो उस वजह से जो इंटरप्ट आएगा वो प्रोग्राम इंटरप्ट होगा, राइट? Then the third type of interrupt is IO interrupt. जब CPU IO डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करता है, कमांड होती है या इंस्ट्रक्शन होती है उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए IO डिवाइस की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोग्राम को या CPU को IO डिवाइस फ़ौरन असाइन नहीं होती, CPU को वेट करना पड़ता है, तो उस तरह के इंटरप्ट को हम IO इंटरप्ट कहेंगे. देन द फोर्थ टाइप ऑफ इंटरप्ट इज हार्डवेयर फेलर. हार्डवेयर फेलर मीन कि हार्डवेयर में कोई फॉल्ट हो या पावर फेलर हो, उसकी वजह से जो इंटरप्ट होगा उसको हम हार्डवेयर फेलर इंटरप्ट कहेंगे. ओके व्यूवर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टॉपिक. ये कोई एक मेजर टॉपिक नहीं है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये एक टर्म है और इसकी दो टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं. एक स्पेशल लोकेलिटी है और एक टेम्पोरल लोकेलिटी है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है. आपको पता है कि मेन मेमोरी इज़ द कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट? तो CPU अगर मेन मेमोरी से एक ही ब्लॉक को बार बार एक्सेस करे तो हम उसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहेंगे. यानी कि अगर मेन मेमोरी है और उसमें 5 ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 5 तक, और CPU ब्लॉक 2 को ही बार बार एक्सेस कर रहा है, तो उसे हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहेंगे. देन इसकी फर्स्ट टाइप जो है वो स्पेशल लोकेलिटी है. स्पेशल लोकेलिटी में इस तरह होता है कि अगर CPU एक ही ब्लॉक को बार बार एक्सेस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके सेम वर्ड को बार बार एक्सेस करे. यानी कि हो सकता है कि CPU एक दफ़ा उसके वर्ड 1 को एक्सेस कर ले, नेक्स्ट टाइम वर्ड 2 को एक्सेस कर ले, नेक्स्ट टाइम वर्ड 3 को एक्सेस कर ले. इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो हमेशा वर्ड 2 को ही एक्सेस करे उसी सेम ब्लॉक के, राइट? देन द सेकेंड टाइप ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज टेम्पोरल लोकेलिटी. टेम्पोरल लोकेलिटी में ये होता है कि CPU सेम ब्लॉक को ही एक्सेस करता है लेकिन उस सेम ब्लॉक के सेम वर्ड को ही बार बार एक्सेस किया जाता है और CPU पे ट्रांसमिट करवाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मेन मेमोरी में मल्टीपल ब्लॉक्स हैं लेकिन CPU बार बार ब्लॉक 5 को ही एक्सेस कर रहा है और उस ब्लॉक 5 के एक वर्ड को, वर्ड 2 को बार बार एक्सेस किया जा रहा है और CPU पे ट्रांसमिट करवाया जा रहा है. यानी कि CPU मल्टीपल टाइम्स उसी एक ब्लॉक के उसी एक वर्ड को एक्सेस करेगा और उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, तो उसको हम टेम्पोरल लोकेलिटी कहेंगे. सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हमने क्लासेस ऑफ इंटरप्ट एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को डिटेल में डिस्कस किया है.
अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके मुतल्लिक आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। हम अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।